हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जे एसएससी वाला। चलिए दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं खोटा पेपर टू के लिए सर्वनाम। ये खोटा के लिए, पेपर टू के लिए इम्पोर्टेंट है ही, और पेपर वन के लिए भी इम्पोर्टेंट है, जो सभी के लिए इम्पोर्टेंट, क्योंकि संज्ञा सर्वनाम विशेषण समास वगैरह सब पढ़ना है दोस्तों पेपर वन में। तो हम लोग सब एक एक करेंगे। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किएंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और रेगुलर बेसिस पे जुड़िए, क्योंकि इसका अलग से प्लेलिस्ट बना दिए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो जैसे सीजीएल टारगेट 2023 पेपर खोटा सर्वनाम का देख लेंगे, कुछ टॉपिक देख लेंगे, फिर उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिस टाइप क्वेश्चन करवा रहे हैं उसी टाइप का एग्जाम देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, ये वीडियो आपको पेपर वन में भी काम आएगा। एसओ का सपना होगा साकार, अब मेहनत करना ना भूले अब। ठीक है, समय अब चला गया मेहनत करने, समझे ना, इसलिए मेहनत दबा के कीजिए जितने लिए हो सके। तो और यदि दिक्कत हो रहा है पेपर थ्री के लिए, क्या पढ़े क्या छोड़े, तो दोस्तों आपके लिए पेड बैच चल रहा है, जो कि बहुत पीडीएफ के माध्यम से सब चीज़ टॉपिक दिया जाता है, टॉपिक वाइज आपको डेली करवाया जाएगा पेपर थ्री पूरा कंप्लीट। ठीक है, जितना भी पेपर थ्री का सिलेबस है 150 क्वेश्चन है पूरा यहाँ पे करवाया जाएगा। बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है दोस्तों, मात्र 350 रुपये में कुछ नहीं है। जैसे देखा जाए जितना चीज़ करवाया जा रहा है इसके हिसाब से 350 कुछ नहीं है। ठीक है, ठीक है, एक एक सब्जेक्ट के लोग करवाते हैं 500-600, यहाँ सारा चीज़ यहाँ पे आपको मिल रहा है। आपको मैथ का प्रीवियस, रीजनिंग का प्रीवियस, साइंस, जीके, जीएस, सब चीज़ कंप्लीट यहाँ पे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस प्रीवियस पेपर एनसीईआरटी सब इसमें इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए आज हम लोग सर्वनाम करने वाले हैं। ठीक है, सर्वनाम क्या आता है, बोलने लिखने के समय संज्ञा के बदले जो शब्द आता है, जैसे संज्ञा के बदले में जो शब्द सिंपल में जानते हैं हिंदी में पढ़ते थे, संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। सेम चीज़ ये यहाँ पे भी। ठीक है, जैसे राम एगो चनफन गिद्धर, चनफन मतलब तेज तरार, गिद्धर मतलब लड़का, तो राम एगो चनफन गिद्धर हक है, वो मैट्रिक में पढ़ो है। जैसे कि मान लीजिए राम एगो चनफन गिद्धर हक है, राम मैट्रिक में पढ़ो, तो राम की जगह क्या वो आ गया, क्या क्या गया वो आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं, सीता एगो सुंदर लड़की लागे, जे रांची में पढ़ो है, जे रांची में पढ़ो है। तो देखिए ये ऊ है, जे है, जैसे यहाँ देखिए ऊपर के पंक्तियों में राम के बदले ऊ, राम के बदले ऊ आया और सीता के बदले जे आ गया, शब्द का प्रयोग हुआ, अतः ऊ और जे सर्वनाम शब्द है, क्योंकि ये दोनों शब्द राम और सीता के बदले आता है। मतलब कहने तो संज्ञा के बदले में आ रहा है, ऊ जे से ऐसा नहीं आता, ये सब सर्वनाम है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब सर्वनाम का भेद बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे सर्वनाम का कितना भेद है, संज्ञा कितना था, संज्ञा का 5, सर्वनाम का कितना, सर्वनाम का 6 है। ठीक है, चलिए 6 भेद कौन कौन है दोस्तों देख लेते हैं, 6 भेद कौन कौन है देख लेते हैं इसमें। ठीक है, चलिए पुरुषवाचक सर्वनाम पहला, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, इसको निश्चय को क्या बोलते हैं, ठेकानी शब्द, या फिर संकेत सूचक सर्वनाम बोलते हैं। ध्यान दे, तीनों नाम याद रखिए, एग्जाम में कुछ ही पूछ सकता है यहाँ पे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम मतलब अनठका, अनिश्चय मतलब निश्चित नहीं है यहाँ पे, उससे अनठकानी बोलते हैं, अनठकानी बात बात बोल रहे हैं, क्योंकि अनिश्चितता इसमें है ना, अनठकानी सर्वनाम बोलते हैं इसको। प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंध बोधक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, निजवाचक शब्द, निजवाचक क्या बोल, देखिए निश्चय को क्या बोलते हैं, देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम इसको आपका, इसको आपका भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखना आपका, हो सके आपको ऑप्शन में आपका मिल जाए, आपका वाचक सर्वनाम, निश्चय वाचक सर्वनाम, आपका वाचक सर्वनाम। ठीक है, निश्चय सर्वनाम को आपका वाचक सर्वनाम बोलते हैं। ठीक है, संबंध को क्या बोलते हैं, जोर नैर के, जो संबंध मतलब जोर नैर के सर्वनाम बोलते हैं, जोर नैर वाचक सर्वनाम। ठीक है, और अनठकान वाचक सर्वनाम इसको बोलते हैं, अनठकानी सर्वनाम, प्रश्न का प्रश्न बोलते हैं, संबंध का जोर नैर का सर्वनाम बोलते हैं, निज का निजो सर्वनाम बोलते हैं। ठीक है, तो आपको 6 सर्वनाम आपको देखना पड़ेगा कौन कौन है। ठीक है, देख लीजिए एक बार, चलिए चलिए पुरुषवाचक सर्वनाम देख लेते हैं पहले। सब आपको एग्जाम में डेफिनेशन नहीं पूछेगा, कभी नहीं पूछने वाला, बस आपको क्या याद रखना है, जो शब्द प्रथम मध्यम अन्य पुरुष के बदले आता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, जैसे प्रथम पुरुष एक वचन और प्रथम पुरुष बहुवचन। आपको एग्जाम्पल याद रखना है, हम, हमें, हमिन, ये क्या है, हम, हम, हमें, ये प्रथम पुरुष एक वचन है। ठीक है, हमिन बहुवचन है। जैसे द्वितीय मध्यम पुरुष में तोय तोहिन, तोय तोहनी, अन्य पुरुष में ऊ ओखिन। तो आपको एग्जाम्पल याद रखना है, क्या याद रखना है, जैसे प्रथम पुरुष बोलेगा तो हम हमिन, हम हामिन, हम हम हमें हामिन, हम मतलब एक वचन, हामिन मतलब बहुवचन। उसी तरह मध्यम पुरुष में तोय तोहिन, तोय हो गया एक वचन और तोहिन हो गया बहुवचन। उसी तरह अन्य पुरुष में मतलब तृतीय पुरुष जिसको बोलते हैं ऊ ओखिन। जैसे चीज़ आपको एग्जाम्पल आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल ही पूछेगा। चलिए निश्चयवाचक सर्वनाम मतलब निश्चय मतलब कोई चीज़ की निश्चितता बात करना है, ठेकानी वाचक सर्वनाम, निश्चितता को क्या बोलते हैं, ठेकानी, कोई ठेकान है वहाँ पे, मतलब जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध हो रहा है। जैसे निश्चित, जैसे वो बड़ी बेस लागे, लोक लागे, वो बड़ी बेस है मतलब निश्चित पता, उसके बारे में बता, वो उटा, ई, ई खूबे दुधा दे है, ई खूबे, ई खूबे दुधा दे, मतलब निश्चित बता रहे इसके बारे में। ठीक है, जैसे कहने का मतलब कि वो ई, ई क्या होता है, ये आपको बताता है कि पास का बात हो रहा है या फिर दूर का बात हो रहा है। ठीक है, पास का बात हो रहा है या फिर नज़दीक का बात, जैसे देखिए निकटवर्ती नज़दीक का बात, तो इस सर्वनाम को से निकट की वस्तु का बोध होता है। इस जैसे
ई हमर घर है, मतलब नजदीक का बात कर रहा है, जैसे एग्जाम में वो पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ये ई हमर घर है, ई मतलब पास का बात कर रहे हैं, ई निकट की वस्तु का बोध कर रहा था, ई निकट के लिए होता है और ऊ जो होता है वो दूर के लिए होता है, जैसे कि यहाँ पे यहाँ देखिए दूरवर्ती है ना, उटा तोर घर लागे, उटा मतलब वो दूर वाला कि तोर घर लागे, अनिश्चयवाचक मतलब अनठकानी, अनिश्चय क्या बोलते हैं, अनठकानी, क्या बोलते हैं, अनिश्चय मतलब अनठकानी। अच्छा निश्चयवाचक क्या बोलते हैं, खोटा लब शब्द याद रखना पड़ेगा, पता चले खोटा में तेजिए फंस गए, निश्चयवाचक क्या बोले बताइए, निश्चयवाचक आबगा सर्वनाम, क्या बोलते हैं, आबगा वाचक सर्वनाम बोलते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम को आबगा वाचक सर्वनाम, आपका वाचक सर्वनाम निश्चय सर्वनाम को बोलते हैं, जैसे पता ही चल गया ई या ऊ वह ऊ वे ई ये, ये सब एग्जाम्पल निश्चयवाचक का है। चलिए अनिश्चय को बताइए आप, अनिश्चय सर अनठकाने वाला सर्वनाम बताइए क्या होता है, जैसे जैसे कोई, जैसे क्या होता है, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित पदार्थ का बोध ना हो, निश्चित का बोध ना हो रहा उसको निश्चित कोई कौन, जैसे तोर घर कोई आल हो तो कोई, कोई आल मतलब पता नहीं कोई मतलब कोई हो सकता है, ठीक है, निश्चित नहीं, जैसे यही बोल देंगे कि तोर घर तेरा नाना आया है तो निश्चित बात हो रहा है कि तेरा आपका नाना ही नाना है, लेकिन केव कौन अनिश्चित वाला सर्वनाम है, जैसे केव कोई, केव कोई, केव देख लागल है, समझे ना, इसे आपको एग्जांपल याद रखना पड़ेगा, ठीक है। कुछो जैसे बोला गया दूध में कुछो गिर गए, तो कुछो मतलब कुछ भी गिरा होगा भाई, कीड़ा मकोड़ा जो भी है, तो ये अनिश्चित सर्वनाम है। जैसे देखिए देखिए यहाँ पे यहाँ एक चीज़ लिखा हुआ है, देखिए कोई 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 सर्वनाम का प्रयोग मनुष्य आदि के लिए किया जाता है, कोई के लिए मनुष्य के लिए किया जाता है, किंतु कोनो कुछ इसके लिए छोटी वस्तु कीड़े मकोड़े आदि के लिए किया जाता है, जैसे कुछ गिरल है दूधा में कुछ गिरल है, ठीक है, ये हो गया कीड़े मकोड़े के लिए, जैसे घर में कोई आया है, ठीक है, तो कोई आई मतलब मनुष्य के लिए यूज किया रहा है, तो ये अनिश्चय अनिश्चित वाचक। जैसे पनिए कुछ परल है, तो कुछ मतलब कुछ परल होगा ये कीड़े मकोड़े, कुछ खाड़ पी खाए पी ले, कुछ खाए पी ले, समझ रहे सब चीज़ यहाँ। प्रश्नवाचक सर्वनाम, इसको सवाल वाचक सर्वनाम बोलते हैं, प्रश्नवाचक मतलब समझ रहे हैं जिसमें प्रश्न का बोध होता है, जैसे एग्जांपल की का कौन के, ये एग्जांपल आपका प्रश्नवाचक एग्जांपल, ऐसे ही पूछेगा एग्जाम में आपको, ठीक है, पंचायत के कौन कौन आयल हल है, तो एक प्रश्न पूछ रहा है, तो आपको प्रश्न वाला ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, प्रश्न वाला पता चल जाएगा आपको, अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना, ठीक है। चलिए बाकी सब ज़्यादा कुछ नहीं, पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा। संबंधवाचक, चलिए संबंधवाचक क्या होता है, जिस सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए और एक वाक्य का दूसरे से संबंध स्थापित होता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। संबंधवाचक मतलब इसको क्या बोलते हैं, जोर नरवा बोलते हैं या फिर जोर नरवाची सर्वनाम बोलते हैं, जैसे जोर नर के, जैसे जैसे क्या समझे, जोर नर का मतलब जे जैसन पढ़ता है तैसन रिजल्ट होता है, जोर नर के समझ रहे ना, जैसन करनी वैसन भरनी, ये जोर नर के संबंध बता रहा है आपको। जैसे देखिए यहाँ पे जे जे है, से जकर सकर, जैसे नहीं समझे, जे जन्मल है से मरता जरूर, जे करे से भरे, मतलब जे करे से भरे, तो जे से देख रहे, जे से जे जन्मल है से मोरे भय, मतलब संबंध है, मतलब जैसन करोगे वैसन भरोगे, ये संबंध है। जे पढ़े से पास करे, मतलब कि जे पढ़ेगा से पास करेगा, संबंध बन रहा है, जे से ये संबंध बन रहा है आपका, ठीक है, ये संबंधवाचक सर्वनाम है, जो नैर का रिश्ता जो जोड़ता है। चलिए सेम चीज़ है, अब यहाँ पे देख लेते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक, निजवाचक क्या बोलते हैं फोटा में, निजवाचक सर्वनाम इसको क्या बोलते हैं, इसको निजवाचक सर्वनाम ही बोला जाता है, ठीक है। जिसे निज मतलब क्या होता है, जो सर्वनाम स्वयं या अपने आप का बोध करा है, निज मतलब स्वयं को करवा रहा है, जैसे आप, जैसे एग्जांपल क्या बोल सकते, जैसे अपन अपना, अपने हैं अपने ही, स्वयं ही, इस तरह का जो आता है ना वो निज सर्वनाम, जैसे जैसे हम अपन काम अपने करो, जैसे अपना काम अपने का, निज का अपने स्वयं का बात कर रहा है, इसका मतलब निजवाचक सर्वनाम हो गया ये। ऊ निजे बहू के लाने गेल है, ऊ निजे बहू के लाने का मतलब ऊ अपने आप लाने गया है, अपने अपने बरबरायत रहता है, अपने अपने बरबरा कुछ कुछ बोलते रहता है, ठीक है। चलिए तो ये सब चीज़ हो गया, तो आपको छः सर्वनाम को बड़े अच्छे से करना पड़ेगा, ठीक है, एक बार देख लीजिएगा, बस एग्जाम्पल पूछेगा मैंने इसका, ठीक है, एग्जाम्पल बढ़िया से कर लीजिएगा तो दिक्कत आपको नहीं होएगा। चलिए हम देखते हैं कुछ 15-20 सवाल देख लेते हैं सर्वनाम से रिलेटेड, देखते हैं कितना कर पाते हैं आप लोग, ठीक है। इसको हम पीडीएफ में डाल देंगे दोस्तों, तो पीडीएफ में जुड़ जाइएगा, ठीक है। पीडीएफ जेएसएससी सीजीएल खोटा का अलग से पीडीएफ बनाया, मतलब क्या टेलीग्राम चैनल बना दिए, इसका हम लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उसमें जुड़िएगा, ठीक है, काफ़ी सारा डिस्कशन उसमें होगा, छोटा मोटा चीज़ डालते रहेंगे दोस्तों, आपको फायदा के लिए होगा वो, इसलिए जुड़ के रहिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे वहाँ पर, ठीक है। चलिए
संज्ञा अवजी अवय, देखिए इस तरह क्वेश्चन आपको दिखेगा एग्जाम में, संज्ञा अवजी अवय शब्द के कहा जाए, इसका मतलब हिंदी में संज्ञा के बदले जो आने वाले शब्द क्या बोलते हैं उसको सर्वनाम बोलते हैं, ये पता है। सर्वनाम के कै गो, देखो कैसे लिखा है, सर्वनाम में कै ठो रूप पावल जाए, मतलब कितने भेद होते हैं, तो छः भेद होते हैं, बता चुके पहले कौन कौन सा भेद होता है, सो छः भेद होता है ना, तो छः भेद होता है, आप लोग दिमाग में रखिएगा। आप लोग व्यक्ति के अवजी अवय शब्द को कहा जाए, बताइए क्या कहा जाए, तो क्या कहा जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाए, क्या कहा जाए, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाए। व्यक्तिवाचक सर्वनाम के पटतैर बटाना है, बताइए। अब सर्वनाम देखिए, सर्वनाम पूछा ध्यान देना है, तो सर्वनाम कौन सा है देख लीजिए, मंगरा तो ये तो संज्ञा से रिलेटेड है, मंगरा ये जातियों से संज्ञा हो गया, जकर तकर ये तो पता नहीं क्या है, हम हामिन तो है, याद रखिए हम प्रथम पुरुष एक वचन, हामिन प्रथम पुरुष मध्यम वचन, तो हैं मध्यम पुरुष एक वचन, समझ रहे ना, एग्जाम्पल दिख गया ना, तो आपको एग्जाम्पल पकड़ लीजिएगा ना तो काम बन जाएगा, इसका आंसर यही हो जाएगा। कहवैया सुनवैया और जकर लतायरें बजकल जाए हैं, ओकरा कौन सर्वनाम कहल जाए है, तो कौन सर्वनाम होता है, ये व्यक्तिवचन, देखे नाता गोता तो है नहीं, जुड़ने रिश्ता नहीं जुड़ रहा है, अबका मतलब निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चय तो बात इसमें है हो नहीं रहा है, अबका वही हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम, वही होता है अबका, आपका मतलब वही होता है निश्चय, जिस तो निश्चित वस्तु का बात हो रहा है, अनठकानी मतलब अनिश्चय, ये भी नहीं होगा, इसका मतलब व्यक्तिवाचक सर्वनाम हो गया आपका, कौन सा व्यक्तिवाचक सर्वनाम हो गया ये। निजवाचक सर्वनाम व नाता गोता वाचक सर्वनाम कहा जाए, किसका कहा जाए, तो चार डेफिनेशन दिया, देखिए और बताइए। जे शब्द मैं जे नाता गोता बतवे है, जे शब्द के जे कहोया और सुनवे नहीं, इसका आंसर सी हो जाएगा, जे शब्द के मैं जे नाता गोता बतवे जाए उसको निजवाचक या फिर नाता गोचक सर्वनाम बोला जाता है उसको, ये बताइए। जो शब्द एक वाक्य ऐन शब्द ले नाता गोता बतवे ओकरा की कहा जाए, तो नाता गोता सर्वनाम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, नाता गोता सर्वनाम, इसका आंसर सी हो जाएगा साथ का। जे जैसन करे वैसन भरे, हाँ ये कौन सा है, संबंध संबंध संबंध, ध्यान दीजिए, समझ रहे क्या है इसका, निजवाचक, निजवाचक में क्या था बताइए, निजवाचक एग्जाम्पल बताए थे आपको जी, चलिए ये फोन वगैरह आता है ना झूठ मूठ का ये, चलिए बताइए। जे जैसन करे वैसन भरे है, तो आपका निश्चय अनिश्चय निजवाचक, तो इसका आंसर कौन होगा, इसका आंसर निजवाचक हो जाएगा, ठीक है। निजवाचक सर्वनाम के पटतर, निजवाचक सर्वनाम क्या है, जे से देख रहे ना, तो आपको एग्जाम्पल बहुत अच्छा से याद रखना है, जखन मंगरा घरे रहे हैं तखन ऊ पढ़े हैं, ये वाक्य कौन सर्वनाम एक पटतर बेटा है, जखन घर जखने मंगरा घर में रहता तखने पढ़ता है, तो बस ऑब्वियस बात है, डिपेंड कर रहा है, निजवाचक सर्वनाम हो गया, वही ना हो गया, जखन घर में रहो तखन पढ़ू है, तो निजवाचक सर्वनाम हो गया, बी हो जाएगा। कैसनो शब्द पढ़ते पैटर में तो एग्जाम्पल होता है, कैसनो किसका एग्जाम्पल, कैसनो बताइए, अनठहरी एनठहरी है न, अनठकानी, कैसनो मतलब कैसनो लग रहा है, पता नहीं अनिश्चय बात का बोल रहा है, इसका तो पहले ही हो जाएगा। जे सर्वनाम ले कोनो अमाक जिनसे वह जीवक भाव नाय फुरछा है ओकरा कहल जाए, उसका क्या कहा जाए, उसका कहा जाता है इनठहरी वाचक सर्वनाम बोला जाता है, ठीक है। केऊ कोनो की निया के सर्वनाम है, केऊ केऊ आया है, कोनो चीज पानी में गिर गया, तो मतलब अनिश्चित का बात कर रहा है, मतलब अनठहरी अनठहरी सर्वनाम, अनठकान जिसको बोलते हैं। अमाव जिनसे भाव के कहा जाए है, तो निश्चय सर्वनाम, देखिए दोस्तों इस तरह क्वेश्चन आपको एग्जाम ऐसे ही देखने को मिलेगा, इसलिए बोल रहे हैं आपको खोटा में हिंदी से पढ़ने से काम नहीं चलेगा, खोटा के पढ़कर कोशिश करना चाहिए आपको, बहुत कुल आपको हिंदी में पढ़ा के करा रहे हैं, क्वेश्चन आपको ऐसे ही बनेगा, ऐसन तैसन की नियर के सर्वनाम बैठा है, ऐसन तैसन, तो बताइए ऐसन तैसन ऐसन तैसन, परिमाण तो है ना नापने तोलने वाला, सवाल जवाब तो है ना, निश्चयवाचक सर्वनाम है, ऐसन तैसन कैसा है, निश्चयवाचक सर्वनाम, ऐसन तैसन निश्चयवाचक सर्वनाम है। चलिए सोलह बताइए। सेहे सहेले की नियर के सर्वनाम बैठा है, सेहे सहेले सवाल तो होगा नहीं, गुणवाचक तो हो ही नहीं सकता, व्यक्तिवाचक नहीं है, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, तो आप लोग छाट भी सकते हैं इसे। ई पटरू मंगरा के है, तो ई ककर पटरे लगा है, बताइए ई पटरू मतलब ई मतलब पास वाले बात कर रहा है, मतलब निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, ई पटरू मंगरा के लगे है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया ये, समझ रहे ना, एक बार थ्योरी पढ़िएगा उसका एग्जांपल ऐसे ही ट्राई करना आपको। सवालिक अवजी अवय शब्द कहा जाए है,
सवाल एक तो सवालवाचक सर्वनाम हो जाएगा, यही तो होगा। सवाल के बाद कौन था, सवाल वाचक सर्वनाम हो जाएगा। सवालवाचक सर्वनाम एक पढ़ते बताना है तो कौन सा है, क्वेश्चन मार्क दिख गया यहाँ पे तो सवालवाचक तो यही हो गया, सवालवाचक या फिर प्रश्नवाचक सर्वनाम जो बोल लीजिए। परिमाणवाचक सर्वनाम एक पढ़ते बताना है, परिमाण 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 क्या हो सकता है, जैसे नहीं समझ में कुछ आया तो छाटना कैसे, देखिए छाटना कैसे, सूप उजला पता नहीं चल रहा है कैसे, परिमाण है नापने तोलने की बात हो रहा है, सूप से उजला मतलब सूप पर रखा हुआ ठीक है उसको उजल दिया मतलब नापने तोलने का बात हो रहा है, तो परिमाण का समझ में आ गया तो आंसर यही होना चाहिए है ना यही। लेकिन छाटिए कैसे, देखिए की नहीं है ये तो क्वेश्चन मार्क है तो परिमाण तो होगा नहीं। कौन हो ये भी कौन सा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कौन हो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है तो ये भी नहीं होगा। ऊ ये क्या है, ये सर्वनाम है लेकिन दूर वाला है ठीक है, निश्चय सर्वनाम लेकिन दूर वाला सर्वनाम है वो हो गया, तब सिंपल बच गया ये, ऐसे भी छाट सकते हैं। मंगरा घूरे नाए पार्ले की लोकी ऊ अजवायर नाए हाल है, मंगरा घूर नहीं पाया क्योंकि वो फुर्सत में नहीं था, एक में सर्वनाम पढ़तर बैठा है। बताइए बताइए सर्वनाम जब पढ़िए नहीं तो इसका इसमें क्या डाउट है बताइए। ऊ सर्वनाम हो गया क्योंकि मंगरा की जगह ऊ आ रहा है। हमिन तोहर घरे जाए रहा ही, ई वाक व्यक्ति बानक के पढ़तर बैठा है, घारे घर ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। केऊ आयल हलो एकर में कौन सा नाम पढ़तर बैठा है, केऊ आल हलो बताइए, केऊ आल मतलब पता नहीं कौन आया था लेकिन कोई आया था, तो कैसे छाटिएगा ऑप्शन से। निश्चय वाचक सर्वनाम निश्चय तो है नहीं ठीक है, निश्चय तो है नहीं कि कौन आया हुआ नहीं, अनठहरी हो सकता है क्यों आया हुआ था ठीक है, सवाल तो हो नहीं सकता है, गुण तो बता ही नहीं रहा है, इसका मतलब अनठहरी वाचक सर्वनाम मतलब केऊ आया हल है पता नहीं कौन आया हुआ था। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको सर्वनाम को देखने को मिला दोस्तों, इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि आप लोग जो गलती होगा ना ग्रामर में ही गलती होगी, इसलिए ग्रामर आप लोग ध्यान नहीं दे रहे, आप लोग बस पीछे पड़े हुए खोटा कविता कहानी पड़े हुए, उधर तो एक दो बार पढ़िएगा तो सही करके आ जाइएगा गारंटी है, लेकिन फंसिएगा आप लोग सर ग्रामर में। ग्रामर में एग्जाम्पल आपको याद रखना है कि सर्वनाम कौन है, प्रश्नवाचक कौन है, निजवाचक कौन है, ठेकानवाचक कौन है, निश्चयवाचक कौन है, सब आपको पता होना चाहिए ठीक है। तो कोशिश कर रहे हैं कि पूरा ग्रामर को जिसमें 25 से 30 सवाल आपको देखने को मिलेगा अच्छा से कराने की कोशिश कर रहे हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस भी करेंगे ठीक ग्रुप में, इसलिए बोलते हैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में जरूर जुड़ जाइए ठीक, सर्वनाम खोटा के लिए फ़ायदा ही होगा आपको ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।